हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। अगर आपकी वॉइस ओवर अच्छी होगी तो आपकी वीडियो एंड चैनल दोनों ही ग्रो करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स और सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे आप एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर कर सकते हो और रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि ट्रस्ट मी। मैक्सिमम लोगों का सोचना है महंगे माइक और एडवांस सॉफ्टवेयर के बिना एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के बिल्ट इन माइक से ही एक हाई क्वालिटी वॉइस ओवर कर सकते हो। जो वॉइस ओवर 10-20 हजार के माइक से होती है, आप वैसे क्लियर क्रिस्पी वॉइस ओवर अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। बात करें साउंड रिकॉर्डिंग ऐप की, तो आप अपने फोन के डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ रिफोर्स 2, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अब हमें सेटअप करना होगा परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर रिकॉर्ड ऑडियो। आपको शांत एरिया में रिकॉर्ड करनी है जहाँ कोई नॉइस ना हो। आप रूम के फैन, डोर्स, विंडो बंद करके रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर बेस्ट टाइम में आप इवनिंग में या मॉर्निंग टाइम में रिकॉर्ड करें जब कोई नॉइस ना हो। एंड यस, हमेशा आपको स्क्रिप्ट बनाकर वॉइस रिकॉर्ड करना है। इतना करने के बाद यू आर फाइनली रेडी फॉर रिकॉर्ड वॉइस ओवर। रिकॉर्डिंग करते वक्त ट्राई करो खड़े होकर रिकॉर्ड करो। खड़े होकर रिकॉर्ड करने से आप अपनी वॉइस पर अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। फिर स्क्रिप्ट को ऐसी जगह रखो जहां उसे पढ़ने में आसानी हो। रिकॉर्डिंग करते टाइम आप अपने स्मार्टफोन या माइक जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसे पास ले आओ, लाइक 2-3 इंच, जिससे आपकी वॉइस क्लियर रिकॉर्ड होगी। एंड आपको लाउड बोलकर रिकॉर्डिंग करनी है। एंड रिकॉर्डिंग करते टाइम वॉल्यूम कितना रखना है, नॉर्मली आप जब लोगों से बात करते हो उस वॉल्यूम में आप रिकॉर्ड करोगे तो साउंड लो होगा, इसलिए नॉर्मल से थोड़ा हाई रखो। जस्ट लाइक जैसे टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं उतना ही, ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई। और हाँ, जब भी स्क्रिप्ट रीड करके रिकॉर्डिंग करो, पूरी स्क्रिप्ट को एक बार में रिकॉर्ड मत करो। थोड़ा ब्रेक लो बिटवीन ईच सेंटेंस। लाइक अगर किसी स्क्रिप्ट में 4 पॉइंट्स है तो हर पॉइंट के बीच में ब्रेक ले सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। एंड ब्रेक टाइम में ड्रिंकिंग सम वाटर। वेल, ये करना स्पेशली जरूरी है अगर स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है। एंड रेस्ट योर वॉइस फॉर ए क्रिस्टल क्लियर वॉइस। क्या इतना कुछ करने से हमें प्रोफेशनल वॉइस मिल जाएगी? आंसर है यस, लेकिन 50%। अभी तक जितना भी बताया है, अगर आप वो सब कर लेते हो तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनसे नॉइस, इको, इन सब चीजों की दिक्कत नहीं होगी। बट अगेन, क्या इन सब से आपकी वॉइस इम्प्रूव होगी? शायद नहीं। तो जो बाकी का 50% है, उसके लिए आपको इम्प्रूव करना होगा द वे यू स्पीक, यानी कि बोलने का तरीका। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हजारों के माइक्स एंड एडवांस एडिटिंग से भी कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब पर आपने बहुत वीडियोस देखी होगी जिन पर किसी पर व्यूज कम है तो किसी पर ज्यादा। जिन वीडियोस पर व्यूज कम है वो इन चार चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप भी इन चार चीजों पर इम्प्रूव कर लेते हो तो आपकी भी वॉइस ओवर इंस्टेंटली प्रोफेशनल हो जाएगी। और हाँ, भगवान ने सबको अच्छी आवाज दी है, बस फर्क आपके बोलने के तरीके से पड़ता है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। पॉइंट नंबर 1, प्रोनंसिएशन। बहुत बेसिक चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाओगे तो आपकी बात को कोई समझ नहीं पाएगा। आपको हर वर्ड को अच्छे से क्लियरली प्रोनाउन करना होगा विदाउट एनी एरर। पॉइंट नंबर 2, पेसिंग। मतलब जिस स्पीड से, जिस बेस से आप वर्ड्स को पढ़ते हो, ऐसे गलत बोलने से व्यूअर्स का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। आप फास्ट बोलोगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर आप स्लो बोलोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए एक मॉडरेट बेस में बोलो, ना फास्ट ना स्लो। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेसिंग द राइट वर्ड्स। स्क्रिप्ट में सेंटेंस रीड करते समय आप सभी वर्ड्स को सेम तरीके से नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड्स होंगे जिन पर आप ज्यादा जोर दोगे, इससे वो वर्ड हाईलाइट होगा। एंड सेंटेंस में जो मैसेज है वो पूरी तरह व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस में मैं हर वर्ड को सेम तरीके से पढ़ूंगा तो ये बहुत बेकार साउंड करेगा। हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर यूजिंग मोबाइल फोन इन फ्यू स्टेप्स। ओके, अभी सेम सेंटेंस को कुछ वर्ड्स पर स्ट्रेस डाल के पढ़ेंगे। हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर यूजिंग मोबाइल फोन इन फ्यू स्टेप्स। ये सेम सेंटेंस था लेकिन इस बार सुनने में ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि एम्फेसिस सही था एंड इसमें मैंने बोलने का टोन भी थोड़ा बदल दिया। पॉइंट नंबर 4, डोंट बी मोनोटोनस। अगर आपकी वॉइस भी बहुत बोरिंग साउंड करती है, इट मींस चांसेस है कि आप मोनोटोन में बोलते हो। इनफैक्ट मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स भी यही गलती करते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, एक मोनोटोन वॉइस वो है जिसमें पूरी स्पीच के दौरान पीच, टोन, वॉल्यूम, पॉसेस ये सब सेम लेवल पर रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है, यू कैन रीड इट लाइक, यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है। ऐसे बिना टोन के वॉइस को ही मोनोटोनस वॉइस बोलते हैं, तो इसे अवॉइड करो एंड यू विल गेट ए ग्रेट वॉइस ओवर। एंड दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि मैंने कोई रॉकेट साइंस बता दिया। ये चारों पॉइंट्स बहुत बेसिक है बट बहुत सारे क्रिएटर्स अभी भी चीजों में गलती करते हैं। इन सब पॉइंट
स्किल्स को एक एक करके इम्प्रूव करना कठिन होता है। सो आई रिकमेंडेड आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियोस को देखो एंड उनके बोलने के तरीके को समझो। यू विल लर्न अ लॉट। आफ्टर ऑल दिस लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एडिटिंग। सबसे पहले तो अगर फैन सारे विंडोज डोर्स बंद करने के बाद भी आपकी ऑडियो में नॉइस है तो आप ये टूल का यूज कर सकते हो बाय अडोबी, जिसका नाम है अडोबी पॉडकास्ट। इसमें सिंपली आपको अपनी ऑडियो फाइल को यहाँ इम्पोर्ट करना है एंड यू विल गेट ए हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट नॉइस। इसके अलावा एक ऐप है लेक्स ऑडियो एडिटर, जो कि बहुत पॉपुलर है फॉर क्रिएटर्स एंड ऑडियो एडिटिंग। इसमें सिंपली अपने वॉइस ओवर को यहाँ इम्पोर्ट करो, 3 डॉट पर क्लिक करो एंड फिर नॉइस डिडक्शन, यहाँ देखो थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है। इसे जितना बढ़ाओगे नॉइस उतनी ही कम होगी, बट ज्यादा मत बढ़ाना क्योंकि नॉइस कट होने के साथ आपकी ऑडियो भी कट होने लगेगी। नॉइस रिडक्शन के बाद आ जाओ इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर। अब यहाँ जितने भी बार लेफ्ट साइड में है उनसे आप बेस और राइट साइड वाले बार से ट्रबल कंट्रोल कर सकते हो। राइट साइड वाले बार से आपकी वॉइस बहुत क्रिस्पी हो जाएगी एंड लेफ्ट साइड वाले से कह सकते हो वही क्रिस्पनेस कम हो जाएगा। तो आपको इसका बैलेंस करना है, तो मैं स्टार्टिंग के 3 बार्स एंड एंडिंग के 3 बार्स को ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। ये सेटिंग आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन सबकी वॉइस डिफरेंट होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर इसके नीचे है एम्पलीफायर, इसे जितना बढ़ाओगे आपकी वॉइस उतनी ही लाउड होगी, ज्यादा मत बढ़ाना, ज्यादा बढ़ाने से वॉइस फटने लगेगी, इसलिए मैंने कहा था माइक के सामने हल्का सा लाउड बोलो। इसके बाद फाइनली ऑडियो को नॉर्मलाइज कर दो एंड सेव कर दो एंड यू आर फिनिश एडिटिंग ऑफ ए वॉइस ओवर। और अब ये वॉइस ओवर कम्प्लीट हो चुकी है एंड नाउ यू कैन यूज इट इन योर वीडियोस। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपने इस वीडियो से अपनी वॉइस को इम्प्रूव करना सीख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।